मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलतापूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के इस वीकली वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागण और पहली बार देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्तमान परिस्थितियों के कारण हर इंसान, हर वो व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या नौजवान हो, हर कोई परेशान है। चारों ओर नकारात्मकता हावी हो गई है। हर मानव बहुत ही अशांत हो गया है। इसका एकमात्र कारण यही है कि आज हर व्यक्ति अध्यात्म की शक्ति से वंचित हो गया है। और इसी अध्यात्म की शक्ति को जगाने के लिए ही समय समय पर महापुरुषों का जन्म हुआ है। तो आइए इसी क्रम में हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु वंदना के साथ करेंगे, जो कि दिल्ली से कुमारी प्रार्थना जी प्रस्तुत करेंगी।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारे, मेरे मन के दुविधा तारे रे, मेरे मन के दुविधा तारे रे। गुरु चरण कमल बलिहारे, गुरु चरण कमल बलिहारे। भव सागर में मेरे अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में मेरे अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारे रे दाता, पल में लिया उबारे रे। गुरु चरण कमल बलिहारे, मेरे मन की दुविधा तारे रे, मेरे मन की दुविधा तारे रे। गुरु चरण कमल बलिहारे। काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बेरी मेरे। काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बेरी मेरे। सब को दीन हमारी रे, सब को दीन हमारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे गाता, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे। जुग जुगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। जुग जुगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे, मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन के दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारे। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रार्थना जी को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। शास्त्रों का मत है कि मानव इस सृष्टि का सरताज है। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं।
कि हे प्रभु, हमें भी वो मानव शरीर मिले, हमें भी वो अध्यात्म ज्ञान मिले, हम लोग भी आपका ध्यान व भजन सुमिरन करके मुक्ति और सदगति की प्राप्ति कर सके। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मानव शरीर पाकर भगवत कृपा, मुक्ति और संतों के सानिध्य की प्राप्ति की भावना का उदय होना, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि मानव शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अतः संतों की संगति में बैठकर नाम जपो, अन्यथा फिर से 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। तो हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मानव शरीर मिला है, हमें अध्यात्म ज्ञान को जानने का मौका मिला है। तो आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले सत्संग की ओर। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष श्री सत गुरु, तुम्हें नवाऊं शीश, तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, मानव धर्म की जय। आदरणीय सभी भगवत भक्तों, काफ़ी देर से हम साधु संतों के सानिध्य को और उनके द्वारा भगवान के सगुण स्वरूप की महिमा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें अभी मानव जीवन की महिमा को हम सभी ने सुना। वास्तव में हमारे ज्ञानियों ने कहा, हमारे वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ भी वर्णन करते हैं कि ये मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे अनुपम, सबसे उत्तम और सबसे उत्कृष्ट रचना है। इस जीवन को प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक सुखों के साथ साथ आत्म कल्याण के मार्ग को भी प्राप्त कर सकता है और उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन में अपनी इस आत्मा को आवागमन के चक्र से बाहर निकाल सकता है। शायद इसीलिए इस मानवीय जीवन को स्वर्गीय जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन बताया है। ज्ञानी जन कहते कि ये जीवन बड़ा मूल्यवान है, बड़ा महत्वपूर्ण है और स्वर्गीय जीवन से भी ज़्यादा कीमती और अनमोल है। क्या इस जीवन को स्वर्गीय जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बताया है कि इस जीवन में हम नाना प्रकार के सांसारिक सुख साधनों का इस जीवन में उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसलिए बताया इसे मूल्यवान कि अपनी इच्छा अपनी सुविधा अनुसार एक से एक कोठी बंगलों का निर्माण कर सकते हैं, या फिर इसलिए बताया है कि हम बाल बच्चों को जन्म देकर के और हजारों प्रकार की सामग्रियों का संग्रह कर सकते हैं। क्या इन सभी के कारण हमें ज्ञानियों ने इस हमारे इस जीवन को मूल्यवान बताया? तो कहते हैं कि नहीं, ये जीवन का मूल्यवान होना इन संसार की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर नहीं करता,
बल्कि इसे देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान, संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इसको मूल्यवान इसलिए कहा गया है कि मानो इसमें समय के आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त कर सकता है और उनके सानिध्य के द्वारा अपने जीवन में आत्मकल्याण के मार्ग पर चल सकता है। उन ज्ञानियों का सानिध्य लेकर के इस संसार के अंदर कण-कण में विराजमान उस सत्ता का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करके और आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त कर सकता है। ये मानव के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है और इस जीवन की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि इसमें वो प्रभु नाम का सुमरण कर सकता है। इसलिए इस जीवन को स्वर्गीय जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि अगर हम चाहें कि ये जीवन लेकर के मेरे पास नाना प्रकार के सुख है, इनके द्वारा मैं उस प्रभु की प्राप्ति कर सकता हूँ, या इन तमाम संसाधनों के द्वारा मैं आत्मकल्याण के मार्ग पर चल सकता हूँ या प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर इस जीवन की जो अनेक विशेषताएं हैं वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो कहते नहीं। बिना ज्ञानी के सानिध्य का, बिना एक तत्वदर्शी के सानिध्य का आप किसी भी स्थिति में आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। उस परम पिता को इस हृदय मंदिर में प्राप्त नहीं कर सकते। अवश्य इस जीवन में ज्ञानी की संगति आवश्यक है, जिनके मार्मिक वचनों के द्वारा हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होगा, हमारी बुद्धि के सारे संशयों का नाश होगा और उसके पश्चात उनके द्वारा बताए गए उस आत्म तत्व का जब हम बोध करेंगे तो स्वतः ही उस मार्ग पर चलते चलते हमें अपने आप इस जीवन की सारी विशेषताओं का अनुभव प्राप्त होता जाएगा और जीवन में हम ये जान जाएंगे कि हमें ये मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि संसार में आकर के हम नाना प्रकार के कार्यों में, ये माया के प्रपंचों में, संसार की हजारों इच्छाओं कामनाओं में, ये माया में उलझ करके और जीवन की विशेषताओं से अनभिज्ञ हो गए हैं। वास्तव में क्या प्राप्त करने आए थे, क्या हमारा लक्ष्य था, इस सब से हम दूर हो करके और रात दिन सांसारिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। पर जब हम एक ज्ञानी का सानिध्य लेते हैं, उनके द्वारा भगवान के सगुण स्वरूप की महिमा श्रवण करते हैं, तो वो हमें उस परमात्मा के स्वरूप का इस हृदय मंदिर में ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जिससे हम इस जीवन में जीवन का मूल्यांकन कर पाते हैं और जीवन में कहते उस प्रभु के नाम का सुमरण करके आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर चला सकते हैं। क्योंकि कहा है, एक छोटी सी बात देखो, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा एक बहुत ही बड़ा रचनाकार है और उसने ये सारी सृष्टि, पूरी कायनात में जो रचना की है वह बड़ी ही अनुपम है, बड़ी ही
मनोहर है, बड़ी ही सुंदर है। इसी प्रकार उसने मनुष्य शरीर की भी रचना की तो ये भी बड़ी सुंदर और अनमोल है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, कहते हैं कि हम संसार के मनुष्य संसार में किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हजारों आशाओं को लेकर के करते हैं। वो छोटी सी बात ये है कि एक सेठ जी के यहाँ पर 2-3 मेहमान आए, दोपहर का समय था। अपनी धर्मपत्नी से भोजन बनाने का आग्रह किया। जब भोजन बनकर के तैयार हुआ तो सेठ जी ने कहा मेहमानों से भोजन कर लो। जैसे ही मेहमानों ने सुना भोजन के लिए तो एक कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, दूसरा कहता है कि मुझे डॉक्टर ने पकवान खाने से मना किया, और तीसरा कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। सेठ जी तो सुनकर के चुप रहे, पर अंदर जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने तीनों के तीन जवाब जब सुन लिए तो कहती है कि अगर आपको भोजन नहीं करना था तो पहले ही बता दिया होता, मैं इतनी परेशान ना होती। और ये स्वाभाविक सत्य है, ये मन का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हजारों आशाओं के साथ करते हैं। उन्होंने भी भोजन बनाया तो 2 घंटे तक नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और इसी आशा के साथ कि खाने वाले मेरी महिमा को गाएंगे। पर जब उन्होंने भोजन नहीं किया और उनकी आशा निराशा में बदल गई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है संसार के प्राणियों के मन को समझाने के लिए। पर हमारे वेद शास्त्र कहते कि हे मानव, थोड़ी सी देर तुमने किसी के लिए कुछ किया और वो आशा पूर्ण ना हुई तो तुमने हजारों कहते अपशब्द कह दिए और निराशा से घिर गए। पर एक क्षण के लिए अपने इस जीवन का अवलोकन करके देखिए और विचार कीजिए कि 2 घंटे अगर हम मेहनत करते हैं तो कितनी आशाएं लगा लेते हैं सामने वाले से। पर उस परमपिता परमात्मा ने हमको और आपको माता के गर्भ में, जिस गर्भ के लिए कहा गया है कि एक छोटी सी अंधेरी काल कोठरी है, वो उस गर्भ में प्रभु ने 1 या 2 घंटे नहीं, 4-5 घंटे नहीं, बल्कि 9 माह तक लगातार हमारे शरीर की रचना की। 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण किया और इस शरीर की विशेषताओं को देखो कि अगर उस गर्भ के अंदर उस प्रभु ने 2 बालक का निर्माण भी किया है तो जब वो गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमें उनमें कोई ना कोई ऐसी विशेषताएं नजर आती है जिससे हम उनमें पहचान कर सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। उस रचनाकार की अद्भुत कारीगरी देखो कितनी विशाल और दिव्य है। संसार में अगर कोई कलाकार मूर्ति बनाता है तो जहां तक मैं मानती हूं कि वो एक ही साँचे में एक एक करके हजारों मूर्तियों को ढल करके, उन्हें सजा करके, बेच करके अपने जीवन का और अपने परिवार का जीवन पर्यंत निर्वाह कर सकता है,
पर उस प्रभु को देखो, वो कितना बड़ा कलाकार है, वो कितना बड़ा रचनाकार है। ऐसा लगता है कि संसार के अंदर जितने मानव बनाए उतने ही कहते साचे तैयार किए। कोई ऐसा नहीं जिसका रंग रूप एक दूसरे से मिलता हो, कोई ऐसा नहीं जिसकी आवाज एक दूसरे से मिलती हो, और कोई ऐसा नहीं जिसकी सूरत एक दूसरे से मिलती हो। ज्ञानी कहते कि हे मानव, तू गिन नहीं सकता कि परमात्मा ने तुझे कितनी विशेषताओं से नवाजा है। सबसे बड़ी विशेषता इस जीवन की यह है कि 84 लाख प्राणियों को देख वो सिर उठा करके नहीं बल्कि सिर झुका करके चलते हैं और सिर झुका कर ही खाते पीते हैं। पर इस मानवीय जीवन को देखो, इस जीवन में सदैव मनुष्य सिर उठा करके चलता है और सिर उठाकर ही भोजन करता है। ऐसे एक नहीं इस जीवन की कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के साथ कहते इस मनुष्य जीवन की इन विशेषताओं के साथ तुझे प्राप्ति हुई है, इसलिए विचार करके देखो कि इतनी अनमोल और सुंदर और इतनी विशेषताओं से युक्त, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मूल्यवान रचना करने वालों ने, बाली ने क्या हमसे कोई आशा नहीं की होगी। एक घंटे की मेहनत से कहते हैं कि हम हजारों आशाएं बांध लेते हैं, पूरी ना हो तो निराशा से जीवन गिर जाता है। पर एक क्षण के लिए सोचें कि 9 माह तक माता के गर्भ में रचना करने वाले उस परमात्मा ने हमसे कोई आशा नहीं की होगी। प्रति पल और प्रति क्षण रचना करते समय वेद शास्त्र कहते हैं, समय के महापुरुष कहते हैं और ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक क्षण प्रभु ने रचना करते समय यही आशा की कि ये संसार में जाकर के और मेरी इतनी सुंदर रचना के लिए हर क्षण मुझे धन्यवाद देगा, हर क्षण मेरा शुक्रिया अदा करेगा। किसी ज्ञानी के द्वारा हृदय मंदिर में मेरे अविनाशी नाम को जान करके और मेरा सुमरण और भजन करेगा। पर हमने उस प्रभु की इस आशा को पीछे छोड़ दिया। अगर किसी ने समझाया भी, कहा भी कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, तो हम यही कहते हैं कि अभी तो संसार के कार्यों को करने का समय है। परमात्मा की भक्ति, प्रभु का भजन, ये सारे कार्य बुढ़ापे के हैं, बाद में कर लिए जाएंगे। पर अभी संसार के कार्य करना है, नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करना है। पर कहा नहीं, बुढ़ापे का इंतजार ना करें और परमात्मा को इतनी सुंदर रचना के लिए धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें और साथ में अपने सांसारिक कार्यों में से समय निकाल करके और इस जीवन में किसी ज्ञानी की, महापुरुष की, आत्मतत्वदर्शी की खोज करें, जो स्वयं कहते प्रभु नाम का सुमरण करने वाला हो, ऐसे ज्ञानी की इस जीवन में खोज करके शरणागति को ग्रहण करें, ताकि वो इस जीवन के रहते हुए ही उस आत्मतत्व का बोध कराए और हमें इस जीवन काल में ही हमारी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए। बिना ज्ञानी के ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है, इसलिए इस जीवन में ज्ञानी की खोज करो, तभी हम उस परमात्मा की वो आशा को पूर्ण कर पाएंगे।
हमने एक क्षण में इतनी निराशा ग्रहण की। विचार करो, उस परमात्मा ने 9 महीने रचना करी और हमने उसे इस संसार में आकर के विसार दिया, हम भूल गए, तो क्या वो निराश नहीं हो रहे होंगे? हमने उनकी आशाओं पर पानी नहीं फेर दिया? अगर हम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, अपनी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें उस प्रभु की आशा का भी सम्मान करना चाहिए। यही हमारे इस मानव जीवन का सबसे बड़ा कहते कर्तव्य है और सबसे बड़ा लक्ष्य है। पर दुर्भाग्य है हम मानवों का कि इस कर्तव्य को हमने पीछे रख दिया। भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए, तो आज मनुष्य बड़े गर्व से कहता है, आज करूं या कल करूं, कल करूं या परसों, करने की क्या जल्दी है, जीना तो है बरसों। एक पल की खबर नहीं और तमन्ना जीवन में हर मनुष्य लिए बैठा है वर्षों की। स्वयं को नहीं पता कि जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं। इसलिए जब इन श्वासों के बारे में जानते ही नहीं कि जो अंदर गई वो बाहर आएगी या नहीं और जो बाहर गई है वो अंदर आएगी या नहीं, जानते नहीं कहां जन्म हुआ है, कहां पढ़ाई लिखाई हुई, कहां माता पिता ने लाड़ लड़ाए, और ना जाने कहां किस गली में जाकर के ये जिंदगी की शाम हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए शाम हो इससे पहले ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करें। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जन्मों जन्मों से, कालांतर से, युगों से, 84 लाख योनि में आवागमन के चक्र में हम सभी फंसे हुए थे और करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। अब प्रभु की कृपा से ये देव दुर्लभ जीवन की प्राप्ति हुई है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि इस जीवन में चाहे जितनी भी श्वासें प्राप्त हुई हो, चाहे जितने भी कहते दिन रात वर्ष मिले हो, सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म तत्वदर्शी की खोज करके और अपने हृदय मंदिर में उस परम पिता परमात्मा का आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। क्योंकि कहते हैं एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में इस जीवन की सार्थकता बताई और वो कहता है, खुदा ने जिंदगी दी 4 दिन, खुदा ने जिंदगी दी 4 दिन, कोई गम नहीं पर बीत जाए प्रभु तेरी बंदगी में, पर बीत जाए प्रभु तेरी बंदगी में, तो ये 4 दिन भी 100 साल से कम नहीं। इसलिए जो जीवन प्रभु के भजन और सुमरण में व्यतीत होता है, वास्तव में वही मानवीय जीवन सफल और सार्थक है। तो निवेदन करते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो ज्ञानी की खोज करके, आत्मकल्याण के मार्ग पर चल करके आत्मा का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बाई जी का कि उन्होंने अपने सत्संग विचारों से हम सभी को कृतार्थ किया। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल है, चकमक पत्थरों में आग है, उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो।
इसीलिए इस कलयुग में हमें भी उस ईश्वर की प्राप्ति हो सके, उस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो सके, उस वास्तविक सुख की अनुभूति हो सके, उसी को जनाने के लिए ही समय समय पर महान पुरुषों ने सत्संग की वर्षा की है। तो आइए इसी क्रम में हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं भजन की ओर। भजन की प्रस्तुति होगी उड़ीसा से ज्ञानचंद जी और ध्यानचंद जी द्वारा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। गुरु चरणों का सहारा, गुरु चरणों का सहारा, सहारा गुरु चरणों का सहारा। झूठी माया गुरु बिना जप तप व्यर्थ करम सब। गुरु बिना जप तप व्यर्थ करम सब। व्यर्थ जन धन सारा हो। Bye.
जस बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। आज के समय में मानव के दुख का कारण यही है कि हमारा पड़ोसी या हमारा रिश्तेदार हमसे ज़्यादा खुश क्यों है या हमसे ज़्यादा धन क्यों है उसके पास। आज इसी नकारात्मक सोच की वजह से हमारे पास पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध होने के बावजूद भी हम अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना पा रहे हैं। जब तक ये हमारी सोच समाप्त नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में शांति की अनुभूति भी नहीं होगी। हमारे महापुरुष लोग भी हमें यही समझाते हैं कि हम जीते जी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। इस शरीर से परे, इस मन से परे भी हमारा एक अस्तित्व है। अगर हमें अपने आप को जानना है तो हमें अपने साथ समय बिताना बहुत ही आवश्यक है। अपने साथ अपने आप को समय देना ही ध्यान है। ध्यान व साधना के जरिए ही हम अपने आप को जान सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने आज के दूसरे सत्संग की ओर, जो प्रस्तुत करेंगे महात्मा श्री अमर पीलानंद जी। सत्संग की वाणी को श्रवण करने वाले सभी आदरणीय महानुभाव, वास्तव में हम सभी को एक मानव का जीवन मिला है, एक नोबल लाइफ मिला है। तो मनुष्य का जीवन मिला है, आखिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर हमें क्यों मिला है। बहुत सारे मनुष्यों ने मनुष्य जीवन को कहा सबसे महान है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है। पर किस वास्ते महान है, किस वास्ते क्राउन ऑफ क्रिएशन है, थोड़ा इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक इस जीवन का जो एक नोबल जो लक्ष्य है उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे, उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है और वह है पूर्णत्व प्राप्त करना, टू अचीव टोटैलिटी। क्योंकि हम सभी पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण से ही निकले हैं, वो पूर्ण हैं, वो इन्फिनिट हैं, वहीं से हम निकले हैं। और लक्ष्य है फिर उसमें मर्ज हो जाना, उसमें मिल जाना। समुद्र के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह वेपोराइजेशन होता है, भाप तैयार होती है, वो भाप ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज बादल होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज बादल होते हैं। जब आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो बिजली कड़कती है और पानी बरसने लगता है। जब पानी नीचे आता है तो वह नाले में जाता है, नाला नदी में जाता है और नदी सागर में जाती है। जहां से यात्रा आरंभ हो गई वहीं जाकर के यात्रा पूर्ण हो गई। एक वीसीएस, एक चक्र चल रहा है। हमारा जीवन भी अनंत से निकला है और अनंत में ही मिलना है। यह हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन की एक एम्बिशन है। पहले हमें इसे समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए मानव की पॉसिबिलिटी क्या है, क्यों मिला है जीवन, बाकी सारी एक्टिविटीज
पशुओं में भी है, पर मनुष्य महान क्यों है? मानव जीवन ही महान क्यों कहा गया? एक समय मनुष्य में और पशुओं में एक कॉन्फ्रेंस हो गई, विषय था कौन महान है। तो पशुओं ने पूछा, मनुष्य कहता है हम ही महान है। पशुओं ने पूछा, तुम क्यों महान हो, सिद्ध करो, प्रूव करो। मनुष्य कहता है कि तुम लोग सर्दी में सिकुड़ते हो, गर्मी में तपते हो, बारिश में भीगते हो, और हम लोग मकान बनाते हैं। उस मकान के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, इसलिए हम महान हैं। तो पशुओं ने कहा, एक चिड़िया सामने आई, गौरैया चिड़िया, जब वो सामने आती है, उसने कहा, देखो तुम्हारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारा मटेरियल है तुम्हारे पास, और तुम्हारा मकान बनता है, बहुत सारा खर्च होता है, फिर भी तुम्हारा मकान टपकता है, लीक करता है, गर्मी में वो गर्म हो जाता है, सर्दी में एकदम ठंडा हो जाता है, लेकिन मैं मकान बनाती हूं, मेरे पास कोई इंजीनियर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, और मैं मकान बनाती हूं, ऐसा मकान बनाती हूं जब आंधी आती है तो तुम्हारा मकान तो गिर भी जाता है, पर मेरा मकान सुरक्षित रहता है, ऐसा मकान बिल्कुल वाटरप्रूफ और एयरप्रूफ, सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है, नेचुरली एयर कंडीशन रहता है, तुम्हारे लिए तो कंप्रेसर लगाना पड़ता है, फिर भी तुम्हारा मकान जो है उसमें खतरे होते, परंतु मेरा मकान सुरक्षित होता है। तो मकान के मामले में तो तुम हार गए, अब बताओ तुम क्यों श्रेष्ठ हो। मनुष्य कहता है हमारे पास ताकत है, इसलिए हम श्रेष्ठ है। एक हाथी सामने आता है और एक पेड़ को उखाड़ देता है, सामने रखा का उखाड़ने की बात तो दूर, तुम इसको उठा के दिखाओ। अब मनुष्य कैसे उठाएगा? तो पशुओं ने कहा इसमें भी तुम हार गए, अब बताओ तुम क्यों श्रेष्ठ हो। कोई बात समझ में नहीं आई तो मनुष्य आखिरी में कहता है हम मूर्ख है इसलिए श्रेष्ठ है। पशुओं ने उनके बीच से एक गधा सामने आता है, गधा कहता है क्या मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो? कहा तुमसे ज्यादा मूर्ख तो नहीं है, का फिर इसमें भी तुम हार गए, अब बताओ तुम क्यों श्रेष्ठ हो। मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आया, पशुओं ने कहा कि बाकी जितनी बातें हैं उनमें हम श्रेष्ठ हैं, फिर भी तुम्हारा जीवन महान कहा जाता है, क्यों? तुम्हें नहीं पता, हम बता देते कि बाकी जितनी क्वालिटीज है उनमें पशु श्रेष्ठ है, और यह बात सिद्ध हो गई। जापान के अंदर क्वेक्स होते रहते हैं, जब मशीनें भी फेल हो गई तो फिर पशुओं का ही सहारा लिया गया। चूहे अपने बिल से बाहर निकलते हैं, घोड़े विचित्र प्रकार से आवाज करते हैं, और ये जान कर साइंटिस्ट लोगों ने अनुमान लगाया कि क्वेक होने वाला है, भूकंप होने वाला है, वहां से लोगों को हटाया गया और कुछ समय के उपरांत वह भूकंप हो गया। मतलब बाहर की जो उनके सेंसोरी ऑर्गन्स हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इसीलिए जो है इन चीजों में पशु श्रेष्ठ हैं, एनिमल बीइंग श्रेष्ठ है, पर फिर भी मनुष्य जीवन महान है। तो पशु कहते हैं इसलिए महान है कि बाकी सब चीजों में हम ही श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी तुम्हारा जीवन महान इसलिए है कि तुम ईश्वर को जान सकते हो और हम ईश्वर को जान नहीं सकते। तुम अपने जीवन को सफल कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
बस इसीलिए मनुष्य का जीवन महान है। तो हमारे जीवन की जो सबसे महान उपलब्धि है वो ये है कि हम अपने जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते, और लक्ष्य एक ही है, पूर्णत्व प्राप्त करना, टोटैलिटी को अचीव करना, क्योंकि हर कोई आनंद को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई आनंदित होना चाहता है। संसार का कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, रोग नहीं चाहता है, व्याधि क्लेश नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि जीवन में आनंद मिले, जीवन में परम शांति मिले, हर किसी की यही कामना होती है। अब ये शांति और आनंद की कामना के लिए कोई जाति और मजहब की आवश्यकता नहीं, कोई बाउंड्रीज की आवश्यकता नहीं है, संसार के अंदर जो है हर कोई अर्थात यही आशा रखता है, हर किसी की यही कामना होती है कि जीवन के अंदर हमें आनंद मिले। लेकिन आनंद की बजाय हर व्यक्ति जीवन के अंदर परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति जीवन के अंदर रोगों से घिरा हुआ है। आखिर क्यों ये सब क्यों आता है, आखिर जीवन के अंदर क्यों उत्पन्न होता है? मनुष्य दुखी होना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी जीवन के अंदर दुख आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज से पूछा कि प्रभु कोई दुखी होना नहीं चाहता है फिर भी जीवन के अंदर दुख आता है, तो आखिर ये क्यों आता है, मनुष्य दुखी क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इसका मूल कारण है मनुष्य की कामना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात मनुष्य की कामना, जब विषय को ध्याने की कामना उत्पन्न होती है अर्थात विषयों में मन लग जाता है, तब व्यक्ति के जीवन के अंदर दुखी दुख उत्पन्न होता है, तब व्यक्ति दुखों को ही प्राप्त कर लेता है। और यही बात सभी संतों ने कही, यही बात भगवान बुद्ध भी कहते हैं, मनुष्य दुखी क्यों है, उस दुख का कारण कहां है? तो दुख का कारण हमारे अंदर ही है, दुख का कारण हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा कि भव पच्या जाति, भव अर्थात भव चक्र चल रहा है, इसीलिए मनुष्य का जन्म होता है। तो भव चक्र क्यों है, तो भव चक्र उपादान पच्या भव अर्थात आसक्ति है, इसीलिए भव चक्र पीछा करता है। अब आसक्ति कहां से आ गई, तो तनहा पच्या उपादान, तनहा अर्थात तृष्णा है, इसीलिए मनुष्य के अंदर उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। और तृष्णा क्यों आती है, तो कहा वेदना पच्या तना, वेदना मतलब संवेदना, हर किसी के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है, फस पच्या वेदना, स्पर्श होता है, इसीलिए किसका स्पर्श होता है, तो कहा षडायतन पच्या फस, हमारे इंद्रियों के ऊपर विषयों का स्पर्श होता है, इसलिए उसके अंदर संवेदना आती है। अब ये षडायतन कहां से आ गई है, तो कहा नाम रूपम पच्या षडायतन, नाम रूप, नाम मतलब मन और रूप मतलब शरीर, मन और शरीर है, इसीलिए ये इंद्रियां आ गई, छठवां मन आ गया, इसीलिए जो है ये सब कुछ होता है। अब ये नाम रूप कहां से आ गए, तो विज्ञान पच्या नाम रूपम, हर किसी का विज्ञान है, इसीलिए उसके अधीन नाम और रूप, मन और शरीर उत्पन्न होते हैं। अब विज्ञान कहां से आ गया, तो संखार पच्या विज्ञान, अर्थात मनुष्य के अंदर संस्कार मनुष्य बनाते रहता है, इसीलिए उसका विज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये संस्कार कहां से आ गया, तो कहा इसकी मूल जड़ में चले गए, और तब कहा अविद्या पच्या संखार, अविद्या है और इसके कारण यह सब कुछ हो रहा है, अर्थात अविद्या के प्रभाव से यह सब कुछ हो रहा है। अविद्या पच्या संखार, संखार पच्या विज्ञान, विज्ञान पच्या नाम रूपम, नाम रूपम पच्या षडायतन, षडायतन पच्या फस, फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तना, तना पच्या उपादान, उपादान पच्या भव, और भव पच्या जाति, और जाति अर्थात जन्म हो गया, और जैसे ही जन्म हो गया, जाति पच्या जरा मरणम शोक परदेव दुख दोमन से सुपायसा संभवंती एवं में तस्य केवल से दुख से समुदय होती। जैसे ही जन्म होता है, दुख है, रोग है, क्लेश है, परेशानियां हैं, और बुढ़ापा है, और फिर मरण है, ये साथ देते हैं। और मर गए तो कुछ खत्म नहीं हुआ, मरते समय जो संस्कार बना के रखे हैं उनमें से एक संस्कार सामने आता है, और उस संस्कार के साथ मन निकल चला जाता है, और वो संस्कार अर्थात तरंग जिस प्रकार की है
वहां वातावरण के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वैसी तरंगे जहां हैं वहां मन एक पल में उसको ले जाता है, वह जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद फिर यही चक्र पीछा करता है। अर्थात दुखों का मूल हमारा जन्म है और जन्म का मूल जो है वो अविद्या है। अविद्या का मतलब विद्या का न होना अविद्या है। तो विद्या क्या है? विद्या भी दो प्रकार की, एक पराविद्या है दूसरी अपराविद्या है। पराविद्या और एक अपराविद्या। अपराविद्या में संसार की सारी विद्याएं आती है, अर्थात सभी प्रकार की विद्याएं। नारद जी के पास 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान था, फिर भी नारद जी अपने आप में अपूर्ण थे। अपने आप में जहां पैर रखते थे भूमि अपवित्र होती थी। अर्थात संसार की सारी विद्याएं कोई प्राप्त कर ले तब भी अधूरापन रहेगा, कोई कर नहीं सकता है। आज के जमाने में एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आदमी अगर एजुकेशन को प्राप्त करता है तो उसमें क्वालिफिकेशन जब अचीव करता है तो अगर वो साइंस से करता है तो साइंस में करते आधा लाइफ उसका उसी में चला जाता है वो, अर्थात दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात यही होता है कि साइंस जो है उसे साइंस की विद्या मिलेगी पर उतनी मिलेगी, उसके पश्चात आर्ट्स है या कॉमर्स है तो व्यक्ति एक ही तरफ जाएगा, उसी में आधा लाइफ चला जाता है, सारी विद्या तो प्राप्त भी नहीं कर पाता है। कोई इंजीनियर बनता तो इंजीनियर रहता है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही रहता है, अर्थात कोई लॉयर है तो लॉयर ही रहता है। मतलब एक साथ जो सारी विद्याएं कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर भी यदि कोई कर ले तो भी अधूरापन है। क्यों? क्योंकि जब तक पराविद्या का ज्ञान नहीं हमारी सारी विद्या अपूर्ण है और मनुष्य दुखों को ही प्राप्त करता है। ये जो दुख जीवन के अंदर आ रहा है उसका मूल कारण है हमारी अविद्या। इसीलिए पराविद्या का ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया, उसके अंदर तो हम पारंगत हो गए, परंतु अपराविद्या का ज्ञान नहीं है। वो जो पैराफिजिकल नॉलेज है उसका ज्ञान हमें नहीं है, और संत उसी ज्ञान को देने के लिए आते हैं। जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। बिना ज्ञान के हम जो जीवन जीते हैं वह हमारा जीवन क्या है? जीवन जीने के ढंग भी दो है, एक तो सिकंदर का ढंग है और दूसरा बुद्ध का ढंग है। सिकंदर के ढंग में जब आदमी जाता है सारी दुनिया जीतने चला जाता है फिर भी हारा हुआ मरता है। बुद्ध दुनिया नहीं जीतते हैं, वो स्वयं को जीतते, अपने मन को जीतते, और जैसे स्वयं को जीत लिया सारी दुनिया को वो जीत ले, सारी दुनिया उनकी हो जाती है। एक समय भगवान शिव जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ। खेल खेल में उन्होंने कहा जाओ तुम दोनों पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाओ और जो सबसे पहले आएगा उसको हम पुरस्कार देंगे। जैसे ही सुना कि कार्तिकेय भागा, रघु चक्कर हो गया, गणेश जी बैठे हैं, शिव जी कह रहे उठो तो देखो कार्तिकेय चला गया अब आता ही होगा, तुम थोड़ा उठो दो चार कदम चलो भी। लेकिन गणेश जी उठ नहीं पाए, ऐसा भारी शरीर उठेंगे भी कैसे, किसी का भारी शरीर है तो उठना भी नहीं हो पाता है, अब भारी शरीर है। बार बार जब शिव जी ने कहा तो गणेश जी उठे का फिकर छोड़ो, गणेश जी ने शिव जी की परिक्रमा की, कहने लगे मेरी दुनिया तो आप ही हो, और वो बैठ गए। अब कार्तिकेय जब तक आया पुरस्कार बढ़ चुका। भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय मैं तो सोचा तुम ही जीत जाओगे, परंतु मैं क्या करता, तुम तो सिकंदर के राह पर चले इसे तुम हार गए, और ये बुद्धों की राह पर चला, ये जो बुद्ध पुरुष है उनकी राह पर चला है और इसीलिए ये जीत गया है। तो बुद्ध पुरुष दुनिया को नहीं जीतते। बड़ी रोचक कहानी है ये कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो स्वयं को जीत लेते हैं, और जो स्वयं को जीत लेता है वो सारी दुनिया को जीत लेता है, परंतु जो सारी दुनिया को जीतने चला जाता है वो जीतने के बाद भी हारा हुआ ही मरता है। इसलिए सिकंदर ने सारी दुनिया को जीतने का प्रयत्न किया और इसी प्रयत्न में वो असफल हो गया। हार करके जब यहां से जाने लगा, भारत से परास्त होकर के जाने लगा, तो वो जो अपने ज्योतिषाचार्य लोगों से पूछता है कि मेरी आयु कितनी है, मुझे मौत कब आएगी। उन्होंने जब गणित लगा के देखा तो देखते इसकी आयु खत्म हो गई है, पर अगर सीधे बता देते तो ये बादशाह है फांसी चढ़ाएगा हमें। तो उन्होंने बड़ा सोच करके कहा कि आपकी मौत तो तब होगी जब जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा। सोचता ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, बड़ा खुश हो गया।
चलने लगा, वापी जाने लगे, तो वो सिस्तान के रेगिस्तान से होकर के जा रहे थे, तो वो और उसका वजीर आगे निकल गए घोड़े पर बैठ करके, उसकी फौज पलटन पीछे रह गई। तो बहुत तेज गर्मी थी, उसके प्रभाव से उसको मलेरिया हो गया, और जब मलेरिया हो गया तो उसको बैठा नहीं जा रहा है। उसने अपने वजीर से कहा, मुझे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे बुखार हो गया है। वजीर ने देखा तो शरीर तप रहा था, पर कोई साधन नहीं है। वजीर ने कहा, दो चार मील चलते हैं, कोई पेड़ आएगा तो बैठ जाते, रेगिस्तान में तो वैसे भी पेड़ नहीं होते। दो चार मील चले किसी तरह, पर कोई पेड़ नहीं मिला। वजीर कहता, थोड़ा और धीरज धरे, और आगे चलते, हो सकता है मिल जाए पेड़। और आगे गए पर वहां भी कोई पेड़ नहीं मिला। आखिर वो उतर गया नीचे, और उस रेत में, गर्म रेत में गिर गया। तो वहां जो है वजीर को कुछ सूझा नहीं, क्या करे। तो जो लड़ाई में जो एक कवच पहना जाता है, जीरा बख्तर बोलते हैं जिसको, कवच होता है, उसको निकाला अपना, और निकाल करके नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर बादशाह को लेटा दिया। वो जीरा बख्तर क्या है, वो जीरा बख्तर अर्थात लोहे की सलाखें होती हैं, उसके ऊपर मखमल की गद्दी से उसको ढक दिया जाता है, उसको पहना जाता है ताकि दुश्मन अगर वार करें तो छाती का भाग, पेट का भाग सुरक्षित रहे, इसलिए उसको अर्थात पहना जाता है। तो वो जीरा बख्तर क्या है, वो लोहे की सलाखें थी, और उसके चेहरे के ऊपर जो है वो धूप आ रही थी, तो बादशाह की सोने की ढाल थी। वजीर ने उसको अर्थात उठा लिया और पकड़ लिया, जिससे कम से कम चेहरे पर तो छाया रहे। तो वो देखता है बादशाह नीचे जीरा बख्तर अर्थात सोने की लोहे की सलाखें हैं, अर्थात धरती लोहे की हो गई, और ऊपर देखता है तो सोने की ढाल है, अर्थात आसमान सोने का हो गया। तो बड़ा डर गया कि अब लगता है मेरी मौत आ गई। तब तक फौज पलटन आ गए, उसके हकीम लोग आ गए, उनके बैस उसकी नफ्स पकड़ लिया। तो कहता है, मुझे बचा लो, पर वो कहते हैं कि अब कुछ रहा नहीं है। उसने कहा, मैं आपको इनाम दूंगा, मुझे बचा लो। उसने कहा, कुछ रहा ही नहीं है। कहा, मैं कुछ गांव इनाम में दूंगा, कहा नहीं। कहा, कुछ राज्य का भाग ले लो, कहा नहीं। चौथाई भाग ले लो, कहा नहीं। कहा, आधा राज्य दे दूंगा, कहा नहीं। पूरा राज्य ले लो, पर मुझे बचा लो, मेरी माँ के पास ले चलो मुझे। उन्हें कुछ रहा ही नहीं। तो जिसके हाथ में शस्त्र लेकर के दुश्मन कांपते थे, वही सिकंदर अंत में फुट फुट के रोता है, और वजीर से यही कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, और यही है कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो जितनी दौलत लूट के लाइए वो कब्रिस्तान तक सारी बिछा दो, और मेरे दोनों हाथ जो है वो बाहर निकालो, ताकि दुनिया देख सके कि जिस दौलत के लिए इसने इतने युद्ध किए, वो दौलत आखिरी में कोई काम नहीं आ रही है, और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी ये खाली हाथ जा रहा है, संसार को एक नसीहत मिलेगी। तो कहने का भावार्थ, दुनिया को अभी नसीहत मिली कि ना मिली, हजारों लोग जो हैं वहां पर जनाजे में शामिल हो गए, और जब वो देखते हैं तो यही देखते हैं सिकंदर के हाथ बाहर है, कोई कमी रह गई क्या। और आखिर में ये बात निकल करके आई, नहीं, सिकंदर की ही इच्छा थी। अब लोगों ने उसके खाली हाथ देखे, लेकिन खाली हाथ देखने के बाद भी वो तो यही चक्र में लगे हैं कि भरे हाथ चले जाए, दुनिया से कोई भी जाए तो हाथ भर करके मतलब चले जाए, सब कुछ ले जाए, पर ये हो नहीं सकता है। हर आदमी खाली आता है, खाली हाथ जाता है। तो इसीलिए जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, जीवन जीने के ढंग है, सिकंदर का है, दूसरा बुद्ध का है। सिकंदर की राह पर चलेंगे तो सब कुछ जीतने के पश्चात भी आदमी हारा हुआ ही मरता है, और बुद्ध की राह पर चलते हैं, स्वयं को जीत लेते हैं, तो व्यक्ति सारी दुनिया को जीत लेता है। इसीलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें पूर्णत्व प्राप्त करना है, स्वयं को जीत लेना है, मन को जीत लेना है। मन तो हर पल अर्थात अविद्या में उलझता है, हर पल अविद्या अर्थात राग द्वेष में उलझता है, विकारों में उलझता है, और इसी के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, और संस्कारों के कारण ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के अंदर सारे दुख पा लेता है। ये संस्कारी बीज का काम करते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, हमें उस परम आनंद को प्राप्त करना है। साधारण आनंद, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, अच्छा भोजन मिल गया, आपको तृप्ति मिलती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन है, आनंद नहीं है।
बहुत ज्यादा गर्मी है, प्यास लगी है, ठंडा पानी मिल गया, आप पीते हो बहुत अच्छा लगता है। अगर थक गए हैं बहुत अच्छा एसी कमरा मिल जाएगा, बहुत अच्छा बेड मिल जाएगा और आपको उसमें अच्छी नींद आती है, कहते बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी अर्थात सेटिस्फैक्शन है, फॉर एवर के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा इस संसार के अंदर जो कुछ भी है क्षणिक है, इसीलिए वास्तविक जो आनंद है वो आनंद तो अपने अंदर है। मन को स्थिर करने में, मन तो बड़ा चलायमान बना हुआ है, मन तो बड़ा चंचल है, बार बार विषयों में जा रहा है, हर पल विषय मनुष्य के इंद्रियों के ऊपर टकराते हैं और मन के अंदर एक संवेदना आती है। मन को अच्छा लगा तो हम कहते बहुत अच्छा है, अप्रिय लगा तो हम कहते ना ये अच्छा नहीं है, और इसी प्रकार से राग या द्वेष के संस्कार उत्पन्न होते हैं और यही संस्कार जीवन के अंदर दुख लाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, जीवन के अंदर ज्ञान ही मन का ब्रेक है, वो नाम ही मन का ब्रेक है। कोई गाड़ी चलती है गति के लिए उसके अंदर क्लच है, परंतु गाड़ी रोकना है तो उसके लिए ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही मन विषयों में जा रहा है, ये मन का क्लच है, मन गति में चलता है, परंतु संतों ने कहा मन जो है जितना गति में जाता है उतना ही वो अशांत हो जाता है, मन की गति बहुत ज्यादा है। इसीलिए संत कहते हैं कि जीवन के अंदर अर्थात मन का भी तो कोई ब्रेक होगा, तो मन का ब्रेक क्या है, हमें उसी को जीवन के अंदर प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर साधना करनी है, ध्यान करना है। अर्थात जीवन मिला है तो इसीलिए कि मन स्थिर हो जाए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। पर मन कैसे स्थिर होगा, उसके लिए हमें बाहर के जितने साधन है, सारी बाउंड्रीज है, उनको तोड़ना पड़ेगा। जब तक बाउंड्रीज के अंदर मन है तब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं जा सकते। एक राजा का जन्मदिन था, 6 महीने के बाद अपने राज्य के 100 प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को उसने बुलाया और कहा कि हमारी एक बड़ी बेशकीमती जमीन है, हम आपको इसको दे रहे, आप जितनी घेरना चाहे घेर लो, 6 महीने का समय दे रहे और जितनी घेरोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, आपके नाम पर ये की जाएगी। तो बड़े खुश हो गए ब्राह्मण और अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया उन्होंने और वो उस बाउंड्रीज को बनाने में लग गए, सब कुछ बेच दिया, जेवर बेच दिए और बाउंड्रीज को बनाने लगे कि बड़ी से बड़ी बाउंड्री हो जाए। क्योंकि राजा ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी बाउंड्री जिसकी होगी, घेरा जिसका सबसे बड़ा होगा, वो जो है अर्थात उसको हम अपना गुरु भी बनाएंगे, राजगुरु भी बनाएंगे, उसको पुरस्कृत भी करेंगे। तो जमीन मुफ्त की मिल रही, ऊपर से घेरा बड़ा होगा तो राजा का गुरु होने का सौभाग्य मिलेगा। हर कोई प्रयत्न कर रहा है उसकी बाउंड्री उसका घेरा सबसे बड़ा हो। 6 महीने पूरे हो गए, राजा का जन्मदिन आ गया, राजा जो देखने चला, देख करके बड़ा खुश हो गया कि आप लोगों ने ये जमीन घेरी है। अब मैं जानना चाहता हूं ये जमीन आपके नाम पर की जाएगी, पर इससे पहले मैं जानना चाहता हूं किसका घेरा सबसे बड़ा है। इससे पहले कि कोई कुछ बोले, एक दरिद्र ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज इससे पहले कि कोई कुछ बोले मैं दावा करता हूं कि मेरा घेरा सबसे बड़ा है। तो सभी हंसने लगे, राजा भी हंसने लगा, कहने लगा महाराज आपका घेरा कहां है, क्योंकि आपने कुछ लकड़ियां लगाई थी वो भी निकाल के जला दिए, कोई घेरा ही नहीं है। बोले हां महाराज, पहले तो मैंने सोचा घेरा बनाऊं, मैंने कुछ लकड़ियां लाई और लगाने लगा, परंतु मुझे ख्याल आया आखिर जितना भी घेरा जाएगा वो तो छोटा ही हो जाएगा, तो मैंने उन सारी लकड़ियों को निकाला और निकाल करके जला दिया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा ही घेरा सबसे बड़ा है, कि मैंने कुछ घेरा ही नहीं, तो सब कुछ जो है वो मेरा है, मैं दावा कर सकता हूं। राजा ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा आप सच्चे ब्राह्मण हैं, बाकी तो सब वैश्य हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं। तो राजा ने उनको अपना राजगुरु बनाया, उनको बड़ा पुरस्कृत किया, उनको पुरस्कार दिया गया। कहने का भावार्थ, जीवन के अंदर अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म के लिए भी सारी बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ता है, सारे घेरों को हमें अर्थात निकालना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए जब तक घेरे रहेंगे तब तक जो अनंत है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सारे घेरे जीवन के अंदर से समाप्त करने पड़ते हैं और अनंत के लिए अनंत के ही हिसाब से उसमें मिलना पड़ता है। इसलिए अलजेब्रा में कहा गया है कि इफ वी एड समथिंग इन टू इंफिनिटी अल्टीमेटली आंसर विल बी इंफिनिटी, इफ वी सब्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम इंफिनिटी
अल्टीमेटली आंसर विल बी इंफिनिटी, वो अनंत है। कुछ मिल जाए तो भी अनंत है, निकाला जाए तो भी अनंत है। इसीलिए जो अनंत है उसमें मिलना है, उसके लिए संसार की सारी बाउंड्रियां सारे घेरे हमें तोड़ना होता है और उसमें मिलना होता है। इसीलिए हमें मानव का जीवन मिला है, मानव का जीवन इतना महान मिला है ताकि जो अनंत है उसके अंदर हम मिल सके, क्योंकि अनंत ही अर्थात आनंद स्वरूप है। क्यों? तेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा का मतलब क्या है? सभी का सचित आनंद रूप है, क्योंकि वो अनंत है, वो सत्य है, वो चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चैतन्य होता है और जो चैतन्य वही आनंद स्वरूप होता है। तो हम जब अपने मन को उसके अंदर जोड़ेंगे तभी हम जो है सत्य स्वरूप हो जाएंगे, और सत्य स्वरूप हो जाएंगे तो चैतन्य स्वरूप हो जाएंगे, और जो चैतन्य स्वरूप हो जाता है वही आनंद स्वरूप हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम अपने राजमहल को राज्य को छोड़ देते हैं, महावीर स्वामी अपने राज्य को छोड़ देते हैं। इसीलिए संत यही समझाने के लिए आते हैं, वो जो अनंत है उसको हम प्राप्त करें, जीवन के अंदर चले, जीवन का कल्याण करें। एक अंत में बात कहते हुए वाणी को विराम देता हूं। कबीर महाराज जा रहे थे तो कबीर महाराज के सामने पांच छह कन्याएं चल रही थी। किसी एक कन्या की शादी होने वाली थी, उसकी सगाई हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी, होने वाले पति ने एक नतनी दी थी और अपनी सहेलियों से वो नतनियों का वर्णन कर रही थी। नतनी ऐसे, नतनी ऐसे, नतनी ऐसी है, नतनी नतनी नतनी। कबीर दास जी के कान पर बातें आ रही थी, तेज कदमों से आगे आए और कहने लगे, नतनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नतनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको तो दिया बिसार। अरे नाकी नहीं रहती तो नतनी कहां पहनती? अर्थात उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस महाशक्ति ने हमें जो है ये मनुष्य का जीवन दिया है। ये जीवन ही नहीं होता तो बाकी चीजें हम कहां से प्राप्त करते? इसीलिए जीवन मिला है तो हमें उसको याद करना है। उसके लिए हमें जीवन के अंदर सदगुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करके जीवन के अंदर ध्यान करते हुए सारे घेरे तोड़ देने हैं और तब उसमें मिल जाना है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, तभी हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। तो एक शायर की बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक शायर बहुत अच्छी बात कहता है कि पानी के बिना नदियां बेकार हैं, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। पानी के बिना नदियां बेकार हैं, अतिथि के बिना आंगन बेकार हैं। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में सदगुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। तो हम इसलिए ऐसे सदगुरु से जीवन के अंदर उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें और जीवन के अंदर उसका ध्यान करते हुए उनकी आज्ञा में चलते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महात्मा जी का कि उन्होंने अपने आत्म अनुभवी सत्संग विचारों द्वारा हम सभी को लाभान्वित किया। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इन विकट परिस्थितियों में भी हमें हर सप्ताह सत्संग की प्राप्ति होती है। उस परम पिता परमात्मा से हम सभी की यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हम सभी को संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहे, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता रहे। आइए अब हम सभी मिलकर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
जिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अगले सप्ताह हम सभी फिर मिलेंगे और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री सच्चिदानंद।